हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY होम रेमेडी जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए इन सर्दियों में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो। दोस्तों, सर्दियों की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो क्या है? स्किन की ड्राइनेस की। तो आपकी ड्राइनेस की स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करके साथ ही साथ आपकी स्किन को फेयरनेस भी प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ आपकी रिंकल्स की प्रॉब्लम को भी ये कम करेगा अगर आप इसे ग्रेजुअली लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हो एंड जैसे वीडियो में बताया जाता है वैसे ही इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों, थंबनेल देख के जैसे आप जान गए हो कि आज की जो रेमेडी है उसका बेस क्या होने वाला है, वो है नारियल का तेल। क्योंकि नारियल के तेल में होते हैं बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट, इसके साथ ही साथ विटामिन ई, जो कि आपकी स्किन को ना कि सिर्फ रिपेयरिंग का काम करता है उसके साथ साथ बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, रिंकल्स समय से पहले रिंकल्स आने से रोकता है। इसके साथ साथ बहुत ही सिंपल ऑयल है, हर एक के घरों में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं इसका प्रिपरेशन किस प्रकार से करना है। तो उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आपने कोई भी पार्ट अगर स्किप किया तो दोस्तों फिर ये रेमेडी उतना अच्छा वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपको सही से जब पता ही नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको इस रेमेडी को आप डे और नाइट दोनों में कर सकते हो, लेकिन अच्छा होगा अगर आप इसे नाइट में करते हैं एंड उसे आप अपना फेस वॉश बहुत अच्छे से करेंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना, अपना फेस क्लीन करना है किसी क्लेंजर से। अगर क्लेंजर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप मिल्क को डायरेक्ट भी एक मिनट के लिए मसाज करके फेस वॉश कर सकते हैं, तो अलग से फेस वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो क्या करना है कि आपको गर्म पानी रुमाल को डुबो के उस स्क्वीज कर दें एक्स्ट्रा पानी, उसके बाद अपने फेस पे इस तरीके से रख लें मात्र 30-40 सेकंड के लिए, जिससे कि जो उसमें गर्म हीट है आपकी जो फेस के पोर्स को है ओपन अप कर देगी। एंड इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो आप क्या है कि जब भी आपको कोई रेमेडी यूज़ करते हैं तो उसकी गुडनेस एंड पोर्स क्योंकि ओपन अप हो चुके हैं बहुत अच्छे से अंदर चले जाएंगे, तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए हम बता देते हैं करके। उसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है लिमसी 500 टैबलेट जो कि विटामिन सी की होती है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये लिमसी 500 टैबलेट होती है जो हमें बेसिकली खानी भी होती है, लगा इसका एप्लीकेशन भी हम कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, लेकिन इसके बाद हमें ऐड करना है 1 पिंच प्रोक्स हल्दी, हमें ऐड करना है एलोवेरा जेल, इन चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड उसके बाद इसे हमें इसके लिए हमें लेना है संतरे के छिलके, क्योंकि संतरे के छिलके में होते विटामिन सी, एंड उसके साथ ही 2 चम्मच नारियल का तेल। इसे हम किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे, तो बाद इसे कम से कम 1 हफ्ते तक हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ये एक और बात, क्योंकि इसमें हमने नारियल का तेल डाला है, आपको इसका एप्लीकेशन आगे करके दिखाने वाली। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी क्रीम बनके तैयार है विटामिन सी युक्त। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये हमने नारियल के तेल से विटामिन सी युक्त क्रीम जो तैयार की है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसे अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो, जिससे कि अपने आप ना ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, स्किन को टाइटन करेगी, उसके साथ साथ आपको फेयरनेस भी प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि इसमें है विटामिन सी जो कि आपकी स्किन के डार्क स्पॉट को रिड्यूस करके साथ ही साथ आपकी रिंकल्स को भी रिमूव करता है, धीरे धीरे कम करता है। अगर इसे की है क्योंकि इसका बेस नारियल का तेल है तो ये जम जाता है अक्सर, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसे क्योंकि हम इसे डायरेक्ट तो गर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसमें है विटामिन सी। अगर विटामिन सी हम सब जानते हैं कि अगर हम डायरेक्ट गर्म कर लेते हैं तो वो सारा जल जाता है, तो इस वजह से हमें डबल बॉयलर मेथड का यूज़ करना है कि हल्का सा पानी गर्म करना है एंड आप जिस भी कंटेनर में रखते हैं उसे इस प्रकार से इसमें ऐसे मात्र 10 सेकंड के लिए इसमें डालना है एंड इसे हटा लेना है, ठीक है, जिससे कि ये जो नारियल का ऑयल है वो मेल्ट हो जाएगा एंड जो हमारी क्रीम है वो यूज़ करने के लिए तैयार है। तो अब क्या करना है, तो हमें इसे इस प्रकार से हाथ में ले लेना है एंड अपने हाथ में लेके ऐसे बहुत इसका एप्लीकेशन हमें अपने फेस पे करना है। दोस्तों, इसमें हमें करनी है
मिनट तक आपको जो मसाज करना है मेक श्योर कि सर्कुलर मोशन एंड अपवर्ड ही करना है। कभी भी हमें मसाज को नीचे इस तरीके से नहीं करना चाहिए जिससे मसाज बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ या फिर सर्कुलर मोशन में करनी चाहिए। इससे कि ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है कि हम इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं। देन दोस्तों हमें सुबह हल्के लूप हल्के गुनगुने पानी से इसे वॉश करना है। एंड दोस्तों अगर आप इसका इस्तेमाल मात्र 10 दिनों तक करते हैं तो आप अपने जो स्किन टोन है या जो अपना कॉम्प्लेक्शन है, आपकी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। आपके स्किन टोन जो भी है 1 से 2 टोन तक आपकी स्किन, आपको खुद लगेगा कि यू नो आपकी स्किन थोड़ा सा फेयर लग रही है। इसके साथ ही साथ आपको अगर रिंकल्स या फाइन लाइंस दिख रहे हैं तो वो धीरे धीरे यू नो कम होने लगेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि फर्स्ट यूज़ के एक दिन में कुछ मैजिक हो जाएगा तो दोस्तों मैजिक कुछ नहीं होता है, हमें थोड़ा सा पेशेंट रखना होगा। एंड सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पर विश्वास रखना होगा। अगर आपने बोला कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, ये वर्क नहीं करता है, तो दोस्तों ये क्या, आप अच्छी से अच्छी रेमेडी यूज़ कर लें, कभी भी कोई चीज़ कभी वर्क नहीं करेगी अगर आपने पहले ही नेगेटिव सोच लिया। तो तक के अंदर से ये चीज़ें वर्क करती हैं धीरे धीरे, इसी वजह से ये समय लेती हैं, तो दोस्तों अच्छी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरी होम रेमेडी या DIY अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।